एक शख्स जो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद लाश को अपने पास रखता है, फिर वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर जिसका उसने कत्ल किया है उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, वापस आता है और वापस आने के बाद फिर लाश को ठिकाने लगाता है। इतना कॉन्फिडेंट और इतना बेशर्म अपराधी आपने आज तक नहीं देखा होगा। इस वारदात ने पूरी दुनिया में मामा और भांजे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। जानिए किस तरह एक झूठ ने इस शातिर अपराधी का पर्दा फाश कर दिया। है हैदराबाद में एक पुजारी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर शव को मैनहोल में फेंक दिया। पेళ్లి చేసుకోవాలంటూ వత్తిడి తెచ్చిన యువతిని కిరాతకంగా హతమార్చాడు। ఆమెను హత్య చేయడానికి హైదరాబాద్ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पुजारी ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर उसका शव मंदिर के पीछे गाड़ दिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह की कई चौंका देने वाली क्राइम स्टोरीज लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है हैदराबाद की, और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने एमबीए कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ एक मंदिर का पुजारी भी है। उम्र सिर्फ 36-37 साल लगभग, जिसका नाम है आयागरी साई कृष्णा। कृष्णा दिखने में बहुत ही शरीफ और साधारण व्यक्ति लगता है। तारीख थी 5 जून 2023। कृष्णा सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन। ये हैदराबाद में है, यानी शहर से दूर एयरपोर्ट के करीब है। कृष्णा पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद कहता है, मुझे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है, और जिसकी रिपोर्ट लिखानी है वो मेरी भांजी है और मैं उसका मामा हूँ। उसका नाम है कुरुंगाती अप्सरा। अप्सरा की उम्र करीब 30 साल के आसपास है। उसने बताया कि 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में मैंने अप्सरा को ड्रॉप किया था। इसके बाद उसको वहां से भद्राचलम जाना था, तो मैं उसे वहीं ड्रॉप करके वापस लौट आया, और ये घटना 3 जून की रात की है। फिर मैंने सुबह को फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि तुम भद्राचलम ठीक से पहुंची हो या नहीं। तब से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। फिर मैंने अप्सरा की माँ को फ़ोन किया, यानी अपनी बहन को, तो उसने कहा कि नहीं, वो तो यहाँ भी नहीं आई। उसने कहा कि तब से ही उसका मोबाइल बंद है, तो ना तो वो हैदराबाद में अपने घर लौटी है, ना ही वो भद्राचलम पहुंची है, और वो गायब हो गई है, और इसीलिए मैं अब आपके पास आया हूं। आप प्लीज़ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखिए। अब पुलिस के सामने कृष्णा खड़ा था। कृष्णा उस वक्त एकदम पुजारी की वेशभूषा में था, तो पुलिस को भी लगा कि परेशान शख्स हैं, चलो इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। अब पुलिस ने अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली। 5 जून को ये रिपोर्ट लिखी गई थी। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, जो पुलिस का तौर तरीका होता है कि जो गुमशुदा है वो आखिरी बार किससे मिला और उसने किससे बात की। तो इत्तफाक की बात यह है कि आखिरी बार जिससे वो मिली थी और जिससे उसने बात की थी वो वही कृष्णा है, जो खुद कम्प्लीमेंट भी है, मतलब कि शिकायत करता। तो अब पुलिस ने कहा कि चलो कृष्णा से पूछताछ करते हैं। उसके बाद पुलिस कृष्णा के पास आई। कृष्णा से उसने पूछताछ की तो उसने कहा कि मैं पहले ही आपको सब कुछ बता चुका हूँ, मैंने जो कंप्लेन में लिखा है ये वही डिटेल है कि 3 जून की रात को मैं अप्सरा के घर गया था, वहाँ उसकी माँ भी थी। उसके बाद मैंने अप्सरा को अपने साथ लिया, क्योंकि उसको भद्राचलम जाना था तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद मैंने शमशाबाद में उसको ड्रॉप किया, वहाँ से उसको बस पकड़कर अपनी आगे की मंजिल तय करनी थी, इसीलिए मैं उसे वहीं छोड़कर घर लौट आया। सुबह मैंने जब उसे कॉल किया तो उसका मोबाइल बंद था। फिर अप्सरा की माँ को कॉल किया तो उसने कहा उसका कोई पता नहीं है, वो तो यहाँ आई ही नहीं, लिहाजा मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाने चला आया। अब एक हो गई कंप्लेन और एक हो गया बयान, जिसे पुलिस ने दर्ज कर लिया। अब पुलिस ने कहा कि इसमें सिर्फ एक ही क्लू है, अप्सरा का जाने वाला रूट। चलो उस रूट को खंगालते हैं। तो अब सबसे पहले जो अप्सरा के घर के इर्द गिर्द की तमाम सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस ने उनको खंगाला। तो पुलिस ने जाना कि बिल्कुल कृष्णा का बयान सच था, वो अपनी गाड़ी में आया और कैमरे में कैद भी हुआ। वो दोनों गाड़ी से ही घर से निकले। करीब 21 किलोमीटर का पूरा रास्ता और जहां पर उसको ड्रॉप करना था उस रास्ते को खंगाला गया। अब पुलिस ने रास्ते में जितने भी कैमरे थे उनको खंगाला, उनको टटोला। पूरे रास्ते में जो पुलिस को सबसे अजीब चीज़ दिखी वो ये कि शुरुआती बयान तो सच था, वो पूरे रास्ते में जाते हुए तो दिखा लेकिन ड्रॉप करते हुए नहीं दिखा। तो यहाँ सवाल ये था कि कृष्णा झूठ क्यों बोल रहा है कि उसने उसे ड्रॉप किया। अब जब पुलिस ने कृष्णा के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उन्हें पता चला कि वो सरूर नगर में रहता है। तो पुलिस ने कहा कि चलो अब कृष्णा के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं। इत्तफाक से सरूर नगर के कुछ सीसीटीवी कैमरे में कृष्णा कैद हो गया। तो यहाँ पुलिस को पता चला कि वो अप्सरा को लेकर
शमशाबाद नहीं गया था बल्कि उसे लेकर वो सीधे अपने घर आ गया था। तो फिर उसने झूठ क्यों बोला था? अब कैमरा एक सबूत के तौर पे था। पुलिस ने कहा कि अब कृष्णा से ठीक से पूछताछ करते हैं। अब पुलिस ने कृष्णा से एक शिकायतकर्ता के तौर पे नहीं बल्कि एक आरोपी के तौर पे पूछताछ करने का फैसला किया। इसके बाद उसके सारे बयान अलग अलग होने शुरू हो गए। जब उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाया गया, उसकी कार दिखाई गई, लोकेशन दिखाया गया, तो वो कुछ कुछ बहाने बनाने लगा। लेकिन ये बहाने ज़्यादा देर तक चले नहीं। आखिर में कृष्णा को एहसास हो गया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं और मैं अब बच नहीं सकता हूँ। फिर उसने सच बोलने का फैसला किया और सच इतना खौफनाक था कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने कहा कि सुनो, अब अप्सरा इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसको मार दिया है। इसके बाद उसने पूरी कहानी सुनाई कि एक पुजारी ने एक 30 साल की महिला का कत्ल क्यों किया और फिर खुद क्यों रिपोर्ट लिखाने गया। ये बहुत ही विचित्र कहानी है। और कहानी कुछ यूँ है कि ये जो अप्सरा थी वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाली थी और वहीं इसकी शादी भी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद अप्सरा के हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था, उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद 2022 में अप्सरा अपनी माँ के घर चरू नगर आ जाती है। क्योंकि अब पति था नहीं और कोई सहारा नहीं था तो उसने तमिलनाडु छोड़ दिया था। अब वो यहाँ आई तो उसका मंदिर आना जाना हो गया और इत्तेफाक से इसी मंदिर में कृष्णा पुजारी था। अब दोनों की मुलाकात होने लगी, मुलाकात के बाद दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और अब ये दोनों मिलने जुलने लगे। ये दोनों कई बार गुजरात के सोमनाथ और बाकी मंदिरों में भी घूमने फिरने गए और लगभग जून 2022 से इन दोनों के रिश्ते पनपने लगे। धीरे धीरे रिश्ता बढ़ा। मार्च 2023 में जो अप्सरा थी उसने कृष्णा पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम अब मुझसे शादी कर लो। लेकिन इधर कृष्णा की मजबूरी ये थी कि वो पहले से ही शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे। ये बात अप्सरा को पता तो थी लेकिन अब अप्सरा भी जिद पर अड़ गई थी। उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी और सोशल मीडिया पर भी तुम्हें बदनाम कर दूंगी। इस बात से अब कृष्णा घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की समझाने की लेकिन अप्सरा मानी नहीं। अब वो उसे ब्लैकमेल करने लगी, धमकी देने लगी। इसी के बाद 3 जून को ये अप्सरा के घर जाता है क्योंकि घर में उसका पहले से ही आना जाना था। क्योंकि जब भी ये अप्सरा से मिलता था तो अप्सरा इसको तमाम लोगों के सामने अन्ना कहकर बुलाती थी। हैदराबाद में अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई। तो घर वालों में भी किसी को कोई शक नहीं हुआ। अप्सरा की माँ को भी इनके मिलने जुलने से कोई आपत्ति नहीं थी। तो 3 जून को वो अप्सरा के घर आया, उसने उसको कार में बिठाया। उसके बाद ये लगातार उसको कार में घुमाता रहा और बोला कि चलो तुमको कोयम्बटूर लेकर चलता हूँ। अप्सरा भी कहती है हाँ ठीक है चलो, और वहीं पर अपन शादी के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कोयम्बटूर की बजाय ये इसको इधर उधर घुमाता रहता है। अब रात होने लगी थी, अप्सरा अब तक कार के अंदर ही थी। उसको कुछ नींद आने लगती है, उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये रूट कौन सा है और ये उसको कोयम्बटूर ले जाने की बजाय शमशाबाद के एक नरकुता विलेज में ले जा रहा है। ये अप्सरा को वहाँ पर ले जाने के बाद कार रोक देता है। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले उसने ये सोचा था कि कार में ही उसका गला घोट कर उसे मार दूंगा, लेकिन अप्सरा अब उसके साथ हाथापाई करने लगती है। कृष्णा ने पहले से ही कार में 2 पत्थर रखे हुए थे जो कि काफ़ी वजनी थे। उसने अचानक वो पत्थर उठाया और अप्सरा के सर में आंधा दूर मारना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर बाद अप्सरा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वो वहाँ से वापस आता है, गाड़ी पार्क करता है, वो लाश को कार में ही रहने देता है और फिर सुबह हो जाती है। वो सोता नहीं है। जब सुबह हो जाती है तो ये अप्सरा की माँ को कॉल करता है और पूछता है कि अप्सरा कहाँ है। वो कहती है कि वो तो पहुँची ही नहीं। फिर ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो फिर ये वहाँ जाता है, अप्सरा की माँ को अपने साथ लेता है और पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ पहुँच कर वो अप्सरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। आप अपराधी की मानसिकता उसकी बेशर्मी को देखिए कि जिनकी बेटी को वो मौत के घाट उतार चुका है उन्हीं के साथ वो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आया है। खैर रिपोर्ट लिखाने के बाद वो वापस घर आ जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पुलिस स्टेशन से जब ये घर लौटता है तब तक लाश कार में ही थी और वो लाश को कार में लेकर ही घूम रहा था। मतलब अब ये गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुका है, खुद का नाम शिकायतकर्ता में दर्ज करा चुका है और अब ये वापस आ चुका है। वापस आने के बाद रात हो जाती है। फिर ये देखता है कि लाश कहाँ दफनाना है। तो जिस मंदिर का वो पुजारी था सरूर नगर में, उसके पीछे एक सरकारी दफ्तर है यानी सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। वहाँ अक्सर सन्नाटा रहता है और वहाँ पर एक मेन हॉल है। उसने मेन हॉल के पास कार रोकी, फिर अंधेरे में लाश निकाली और लाश को मेन हॉल में डाल दिया। मेन हॉल में डालने के साथ ही उसने उसके जो बैग और बाकी चीज़ें थी उन सबको भी आग लगाई और उसी में डाल दिया। ये सब करने के बाद उसने मेन हॉल का ढक्कन बंद कर दिया और वापस आ गया। अपनी कार को साफ किया, धोया और सो गया।
नेक्स्ट डे ये फिर से मेन हॉल के पास जाता है कि कहीं मेन हॉल का ढक्कन किसी ने हटाया तो नहीं है। तो उसने मेन हॉल के करीब जाकर ही देखा कि यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है और ढक्कन का कुछ हिस्सा भी खुला हुआ है जहाँ से गैस पास हो रही है। अब उसने देखा कि बदबू आ रही है तो सोचा लोग कंप्लेंट जरूर करेंगे, सरकारी दफ्तर पास में ही है तो भांडा फूट जाएगा। क्योंकि मंदिर वहाँ से करीब था जहाँ ये पुजारी था, तो उसने वहाँ से 2 ट्रक लाल मिट्टी मंगवाई और लाल मिट्टी मंगवाने के बाद उसने उस मेन हॉल के इर्द गिर्द और मेन हॉल पर वो मिट्टी डलवा दी ताकि बदबू और ये सारी चीज़ें ढक जाएं। ये सब कुछ हो गया तो अब वो बेफिक्र हो गया। इधर पुलिस को कंप्लेंट उसने पहले ही लिखा दी थी। अब अप्सरा की माँ के साथ मिलकर वो अप्सरा को ढूंढने में लग जाता है। यकीन मानिए, इतना बेखौफ अपराधी मैंने पहली बार देखा है और शायद वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता। उसका एक झूठ कि उसने अप्सरा को शमशाबाद में ड्रॉप किया है और सीसीटीवी कैमरे में उसकी गाड़ी का शमशाबाद में जिस पॉइंट पर उसने कहा था कि ड्रॉप किया उसका न पाया जाना, इसकी वजह से पुलिस का उसके ऊपर शक चला जाना और यहीं से सारा भांडा फूट जाता है और इसी वजह से पुलिस उससे पूछताछ करती है और सारी कहानी सामने आ जाती है। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है लेकिन वो थाने में बार बार खुदकुशी करने की धमकी दे रहा है। अभी वो पुलिस कस्टडी में है और वो ये कह रहा है कि मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था लेकिन वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी तो मैं डर गया था और उस वक्त कार में मुझे गुस्सा आ गया और मुझे कुछ पता ही नहीं और मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन अब मैं भी सुसाइड कर लूँगा। अब उसकी ये धमकी के बाद उसके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जा रही है लेकिन पुलिस का कहना है कि ये झूठ बोल रहा है। अगर उसका इरादा कत्ल करने का नहीं था तो फिर कार के अंदर इसने पहले से ही 2 पत्थर क्यों रख रखे थे? अब वो पत्थर भी बरामद हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही प्लान किया हुआ था कि उसे अप्सरा को कत्ल करना है। तो ये थी कहानी हैदराबाद की। इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पिछली वीडियो का शाउट आउट है सहज नूर गिल, भुवन, हर्ष ठाकुर, स्वयं भार्गवी। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।